Religion Outlook. इस जगत माया दा पसारा है, साढ़े आस पास माया दा खिलारा है, हर जीव दा माया दे नाल वाह पैंदा है। जमीना जायदादां पैसे दे रूप दे विच, विकारां दे रूप दे विच, मोह दे रूप दे विच। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 370वें अंग दे विराजमान पहले शब्द दे विच गुरु अर्जन साहिब सानू दसदे ने कि किवें माया ने अपने आप नू उच्चे सुच्चे समझन वाले मनुखां नू भी अपने चंगुल दे विच फसाया होया है, ते उस चंगुल दे विचों असीं किवें बाहर निकलना है, यह संदेश भी सानू गुरु साहब बख्शदे। दूसरे शब्द दे विच गुरु अर्जन साहिब बड़े ही वधिया ढंग दे नाल सानू जीवन जीउण दा एक फार्मूला ही दे जांदे कि किवें असीं अपने जीवन नू सही रस्ते ते लैके आउणा है। उह लैके आउण दे लई पहलां की करना है, फिर की करना है, फिर की करना है, एक तरतीब सानू दसदे ने जिहनूं जेकर असीं अपना लईए, अपने जीवन नू उस तरतीब दे हिसाब दे नाल चला लईए, ते असीं बड़े सुखी हो जावांगे। ते तीसरे शब्द दे विच एक परिवारक उदाहरण लैके साढ़े आत्मक जीवन दे लई की जरूरी है, ये सानू गुरु साहब दसदे हन। जिस प्रकार एक चंगे मिठे सुभाव वाली इस्त्री एक चंगी पत्नी भी बनती है, चंगी दराणी जठाणी भी बनती है, चंगी नूँह भी बनती है। जिस परिवार दे विच जांदी है उस घर दे विच सुख शांति का वर्तारा कर देती है। उस प्रकार ही जे असी अपनी आत्मा नू एक ओह घर मन लईए जो किसी का सहुरा घर बन सकता है, तो वह केड़ी चीज़ है जो साढ़े आत्मा नू, साड़ी आत्मा दे विच जो असी सहुरा घर मन लिया उहदे विच सुख का वर्तावा कर सकती है। ये असी अज की बाणी दे विच तीसरे शब्द दे विच पढ़ांगे। वीडियो चंगी लगे तो अगे लोगों के तक जरूर शेयर कर दौ। बहुत महत्वपूर्ण सिख्यावां गुरु अर्जन साहब सानू अज की बाणी दे विच बख्शदे हन। इस बाणी नू पढ़न वाले सुनन वालियां दा कल्याण हो सकता है। सो आओ शुरुआत करते हाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 370वें अंक दी बाणी दी व्याख्या। राग आसा घर दूजा महला पंजवां, एक ओहंकार सतगुर प्रसाद, जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस भौ बहुत दिखाया, भाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादी। इन्हां चारा ही पंक्तियां दे विच ते पहले पूरे शब्द दे विच माया दी गल हो रही है। गुरु जी कहिंदे ने जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया, कि जिन्हां ने माया दे नाल प्रीत लाई, प्यार पाया, वह परत के माया दे वल्लों खाधे गए। माया उन्हां दे आत्मक जीवन नूं खत्म कर दिंदी है, खा जाती है। जिन सुख बैठाली तिस भौ बहुत दिखाया, जिन्हां ने माया नूं अपने कोल बिठा लिया उन्हां नूं ये माया बहुत डराउंदी है। किवें डराउंदी है? देखो, माया नूं कोल बिठाउण तों भाव कि तुसीं बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली, तुसीं अपने जीवन दे विच कई सारे रिश्ते जोड़ ले जिन्हां दे नाल तुहाडा मोह दा नाता है, मोह पै गया तुहाडा उन्हां दे नाल, तुसीं बहुत सारिया चीज़ा वस्तुआं इकट्ठिया कर लिया उन्होंने नाल भी ताड़ा मोह पै गया, तुसी विकारी हो गए, विकारां दे नाल भी एक प्रकार का तुहाडा मोह पै गया, विकारां दे अधीन आके तुसी काम कार करन लगे जो भी चंगे माड़े, तो वह भी एक तुहाडी आदत बन गई। हुण इह सब कुछ ही माया है। माया तो भाव सिर्फ धन नहीं, यह मोह, धन संपत्ति, विकार, यह सब माया का हिस्सा है। सो जेकर तुसी माया नूं कोल बिठा लिया, भाव इन्हां सब नूं अपने जीवन दे विच थां दे दित्ती, तां इह तुहानूं डराउणगे। जो धन संपत्ति इकट्ठी कीती उहदे खुस जाण दा डर होएगा, जो रिश्ते जोड़े उहनां दे भी खुस जाण दा डर होएगा, जिहड़ियां वस्तुआं इकट्ठियां कर लईआं उहनां दे भी खराब हो जाण दा, चोरी हो जाण दा, टुट जाण दा डर होएगा। जो विकार तुसी अपने जीवन दा हिस्सा बना लए, उन्हां दे अधीन आके जो तुसी माड़े काम कीते उन्हां दे फड़े जाण दा डर होएगा, ते जद फड़े गए ते सज़ा दा डर होएगा। सो माया नूं जदों तुसी अपने जीवन दे विच थां दे दित्ती,
अपने कोल बिठा ली तो वह तुहानू बहुत डराएगी, जिन सुख बैठाली तिस भौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटंब देख विवादे, भरा मित्र परिवार परिवार दे जी, ये सारे ही माया नू वेख के आपो विच लड़ पैंदे ने। जेकर असी झाती मार के देखिए, थोड़ा खंगाल के देखिए, घर परिवारां दे विच बहुत प्रकार दियां लड़ाइयां, बहुत प्रकार दे कलेश हुंदे ने। उन्हां कलेशां दे पिछे जो वजह है वो किते ना किते जाके माया ही निकलेगी। किते जमीना जायदादां दी खातर झगड़े हो रहे ने, किते होमे दे करके झगड़े हो रहे ने कि एक ने दूजे नू कुछ कह दिता, दूजे दी होमे फटड़ हो गई, ईगो हर्ट हो जानी जिन्हों आपां कह दिंदे आ, होमे फटड़ हो गई ते अग्यों ओह होर ज़्यादा उच्ची बोलिया, लड़ाई वध गई। किते किसे ने दूसरे दी इस्तरी ते माड़ी अख रख ली, विकार काम काम वाशना दे अधीन आके, वह भी माया दा हिस्सा है। सो कहण तो भाव कि इस माया दे करके मित्र भरा परिवार दे जी आपस दे विच ही विवादित हो रहे ने, लड़ रहे ने, झगड़ रहे ने। लेकिन गुरु जी कहिंदे हम आई वसगत गुर प्रसादे, गुरु की कृपा दे नाल ए माया साडे वस विच आ गई है। गुरु साहब इत्थे अपनी गल करदे पए ते जेकर असी गुरु दे लड़ लगे रहिए ते ए साडे भी वस विच आ सकती है, कोई नामुमकिन गल नहीं है, असंभव नहीं है। गुरु दे लड़ सानू लगे रहना पड़ेगा लंबे समय तक, खास करके जब साड़ी उम्र 20-25 साल हो चुकी है, 30 साल 50 साल हो चुकी है, तो इन्ने साल जो जीवन असी गुरु तो बेमुख हो के गुजारिया है, उस इन्ने लंबे समय के दौरान माया नू जो असी अपने जीवन दे विच जगह दित्ती है उते पक्का टिकाणा मल के बैठ गई है, ते उन्हूं उत्थों कढ़ना अपने जीवन दे विचों धकेलना इन्ना सौखा नहीं होएगा। गुरु दे लड़ लगे रहना पएगा निरंतर, फिर ही असी सफल हो पावांगे माया नू अपने जीवन दे विचों बाहर कढ़न दे विच। ऐसा देख विमोहित होए साधक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब ध्रोहन ध्रोहे रहाओ। असी ते फिर भी सधारण मनुख, गुरु साहब कहिंदे साधना करन वाले जोगी, साधना दे विच पुगे हुए जोगी, देवते मनुख भी इस माया नू वेख के मस्त हो जाते हैं, इस माया दे वल्लों विमोहित हो जाते ने। गुरु तो बिना यह सारे ठगनी माया दे हत्थी ठगे जाते। बिन साधु सब ध्रोहन ध्रोहे, साधु शब्द तो इत्थे अर्थ गुरु है। एक फिरै उदासी तिन काम व्यापै, एक सांचै गिरही तिन होए ना आपै। कहिंदे एक ते ओ मनुख है जो उदासीन हो गया, त्यागी बन गया, घर परिवार छड के दुनिया दे दौरे ते निकल गया, अपने जाने घर परिवार छड के उन्हें माया नू छड दिता, लेकिन काम वासना फिर भी उस मनुख नू किते ना किते दबा लैंदी है। पुराने इतिहास दे विच्चों ते कोई घटना चेते दे विच नहीं आ रही, लेकिन अज दे समय दे विच जेकर असी गल करिए ते बथेरे ही अखौती गुरु जां अखौती साधु ने जो शायद शायद किते ना किते शुरुआत दे विच माया नू पिछे छड के परमात्मा दे रस्ते ते निकले सन, लेकिन माया ने उन्हां दे उपर अपना शिकंजा कस लिया, गलत कम्मां दे विच पै गए, धन संपत्तियां इकट्ठियां करन दे विच भी पै गए, पावर इकट्ठी करन दे विच भी पै गए, शक्ति राजनीतिक शक्ति गुंडियां वर्गे बन गए, अपनियां गुंडियां दी उन्होंने फौजां तैयार कर ली, काम वासना ते इन्नी हावी हो गई कि उन्हूं पूरियां करन दे लई किसी भी हद तक चले गए। ये अज दे साधुआं दी गल है, हो सकता वह इस रस्ते ते निकले ही इस मकसद नूं लैके होण, पर यह भी हो सकता कि शायद एक चंगी भावना नूं लैके इस रस्ते ते उह निकले, पर माया ने उहनां ते अपना शिकंजा कस लिया। एक फिरै उदासी तिन काम व्यापै, एक सांचै गिरही तिन होए ना आपै। हुण दूजे पासे उह भी है जो घर परिवार दे विच रहि रिहा ते माया एकत्र करन ते लग्गिया, धन इकट्ठा करन ते लग्गिया, पर ये धन के रूप के माया ये भी कहिंदे उहदी आपदी
नहीं होती। तिन होए ना आपै, एक सती कहावै तिन बहुत कल्पावै। एक अपने आप नूं दानी अखवाउंदा है, ये माया उन्हों भी बहुत दुखी करती है, खास करके उस प्रकार के दानी जो किसी खास मकसद की पूर्ति दे लई दान करते। उन्होंने हुंदा है कि अज जे मैं 10 रुपए दान करां तो ये 10 मैनूं 100 दे रूप दे विच वापस मिलणगे, 10 वह दान कर दे 100 दे रूप च वापस ना मिलण तां कल्पद है। दूजे वो भी ने जो दान करते ने अपनी होमय नूं संतुष्ट करन दे लई। उन्हां नूं हुंदा है कि दान करांगे वाहा वाही मिलेगी, लोग शाबाशी देणगे। अजिहे मनुखां नूं जे शाबाशी ना मिले तो वह भी बहुत कल्पदे ने। सो एक सती कहावै तिन बहुत कल्पावै, हम हर राखे लग सतगुर पावै। धन्नवादी हो रहे ने गुरु साहब, कहिंदे सतगुरु दे चरणी लगन करके सानू परमात्मा ने खुद इस माया दे पंजे तों बचा लिया है। तप करते तपसी भुलाए पंडित मोहे लोभ सबाई, तप कर रहे तपस्वियां नू इस माया ने कुराहे पा दिता, सारे ही विद्वान पंडित लोग भी लोभ दे विच फस के माया दे हत्थे ठगे गए। त्रै गुण मोहे मोहिया आकाश, हम सतगुर राखे दे कर हाथ। सारे त्रै गुणी जीव ठगे जा रहे हैं। आकाश तो इत्थे भाव है आकाशवासी जानी देवते, देवते भी इस माया दे वल्लों ठगे जा रहे हैं। हम सतगुर राखे देकर हाथ, सानू तां गुरु ने अपना हाथ दे के इस पासों बचा लिया है। ज्ञानी की होए वर्ती दास, जो ज्ञानी है जिसने परमात्मा दे नाल डूंगी सांझ पा ली है, हे नानक ए माया उसकी दासी बन के कार करती है, उसके अगे हाथ जोड़ती है, उसकी सेवा करती है। ज्ञानी की होए वर्ती दास, कर जोड़े सेवा करे अरदास, उस अगे बेनती करती है। जो तू कहें सो कार कमावा, माया कहती है ज्ञानी नू कि मैं ओही कार करांगी जिहड़ी तू आखेगा। जन नानक गुरमुख नेड़ ना आवा, कहती मैं उस मनुख दे नेड़े नहीं टुकांगी, उस मनुख ते अपना दबा नहीं पावांगी जिहड़ा गुरु दी शरण पैंदा है। सो इस पूरे शब्द का जे असी सारांश कर लईए तां इह है कि माया ने छोटे तो छोटे वड्डे तो वड्डे रुतबे वाले मनुखां नूं अपने चंगुल दे विच फसाया होया है। बेशक कोई उदासी है दानी है जो भी है, हर किसी ते माया का प्रभाव है, ते इहदे चंगुल दे विचों तां ही बच सकदे आ जे परमात्मा अपनी कृपा करके सानूं गुरु दे लड़ लावे। ते मेरा ख्याल है कि असी सारे जो गुरु दे लड़ लगे हुए हैं, बेशक रिलिजन आउटलुक चैनल दे राही, बेशक यूट्यूब ते होर अनेक ही चैनल हैं उन्हां दे राही, बेशक तुसी हर रोज़ अपने अपने पिंडां शहरां दे विच गुरु घरां दे विच जाके गुरु दे लड़ लगे हो, बेशक अपने ही घरां दे विच बैठे हुए गुटका साहिब तों जां अपने मोबाइल फोनां दे राही बाणी नूं पढ़ रहे हो, किसी भी तरीके जेकर तुसी गुरु दे लड़ लगे हुए हो ता एक गल अपने मन दे विच चेते रखियो कि परमात्मा दी तुहाडे ते बहुत कृपा है। आसा महला पंजवां, सस्सू ते पिर कीनी वाक देर जठानी मुई दुख संता, करके जठेरे की चूकी कान पिर रखिया कीनी सुगड़ सुजान। ये शब्द है जिस दे विच एक परिवारक उदाहरण गुरु साहब ने पेश कीती है। गुरु जी कहिंदे कि गुरु की कृपा दे नाल मैनू प्रभु पति मिलिया, प्रभु पति मिलिया इहदा मतलब कि एक जीव इस्तरी दे संदर्भ तों गल हो रही है। जीव इस्तरी नू प्रभु पति मिल गया, इहदा मतलब कि वह सहुरे घर की वासी हो गई। सहुरे घर दे विच सस सहुरा दराणी जठाणी द्यौर जेठ ये सब रिश्ते नवे जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये सहुरे घर की सिर्फ उदाहरण है इन्हां पंक्तियां दे विच, असल दे विच सहुरे घर की गल नहीं हो रही, सिर्फ उदाहरण है। हर रिश्ता किसी खास वर्तारे नूं संबोधन कर रहा है। पहलियां चार पंक्तियां जो असी हुणे पढ़ियां ने, सस्सू ते पिर कीनी वाक देर जठाणी मुई दुख संताप करके जठेरे की चुकी कान पिर रखिया कीनी सुगड़ सुजान, चार रिश्तियां दी गल इन्हां पंक्तियां दे विच हुई है। सस दराणी जठाणी
जेठ ते पति, आओ जान लईए कि ये चारे असल दे विच की हन। अग्ञानता, सस, आसा, तृष्णा जानी दराणी जठाणी, धर्मराज, जेठ ते प्रभु पति। सो चार रिश्तियां दी उदाहरण गुरु साहब ने लई ते इन्हां चारां ही रिश्तियां दे अर्थ की हन ये असीं जान लई। सो पहली पंक्ति, सस्सू ते पिर कीनी वाक, पति ने मैनू सस तों वख कर लिया, जानी कि प्रभु ने मैनू अग्ञानता तों वख कर लिया। देर जठाणी मुई दुख संताप, मेरी दराणी जठाणी जानी कि आसा ते तृष्णा इस दुख कलेश नाल मर गई कि मैनू पति मिल पिया है, भाव कि सानू प्रभु मिल जावे ते साडे अंदरों आसा ते तृष्णा खत्म हो जाती है। घर के जठेरे की चुकी कान, मेरे उत्ते जेठ यानी धर्मराज की भी धौंस नहीं रही। पिर रखिया कीनी सुगड़ सुजान, सुचे सियाने पति ने मैनू इन्ना सभना तो बचा लिया। सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम दवाया, रहाओ हे लोको सुनो गुरु की कृपा नाल मैं परमात्मा के प्यार का आनंद माणिया है। गुरु ने मैनू परमात्मा के नाम की दात दिती है, उस दात की बरकत दे नाल मैं भैड़े भाव मार ले हैं, काम आदक वैरी मुका ले हैं। प्रथमे त्यागी होमै प्रीत, दुतिया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पछाने। ये है वो फार्मूला जिसकी आप शुरुआत विच गल की, स्टैप बाय स्टैप, कदम दर कदम गाइड। गुरु जी कहिंदे प्रथमे त्यागी होमै प्रीत, गुरु की कृपा दे नाल जद सानू प्रभु पति मिल जाए तो सब तो पहला तो असी होमै नूं प्यार ना छड़ दिंदे हां, अपने अंदरों होमै नूं खत्म करते हैं। द्वितीया जानी कि दूजे नंबर ते त्यागी लोगा रीत, फिर असी लोकाचारी रस्मां छड़ दिंदे हां। त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समानी, फिर माया दे तिन्ने गुण छड़ दिंदे हां ते फिर सानू वैरी ते मित्र इक्को जे लगन लगदे ने। तुरिया गुण मिल साध पछाने, गुरु नूं मिल के असी उस गुण दे नाल सांझ पा लैंदे हां जो माया दे तिन्ने गुणा तों उतां चौथे आत्मक दर्जे ते सानू अपना दिंदा है। सो पहले नंबर ते होमै खत्म करिए, दूजे नंबर ते लोकाचारी छड़िए, तीजे नंबर ते त्रैगुणी माया दा मोह छड़िए। सहज गुफा मह आसन वाध्या, जोत सरूप अनाहद वाज्या। जोगी लोग गुफावां दे विच जाके समाधियां लाउंदे हन, आसन लाउंदे हन। गुरु जी कहिंदे कि जदों गुरु की कृपा दे नाल मैनू प्रभु पति मिलिया तो मैं आत्मक अडोलता की गुफा दे विच अपना आसन जमा लिया, मेरे अंदर निरे नूर ही नूर रूप परमात्मा दे मिलाप का एक रस वाजा वजन लग पिया। महा आनंद गुर शब्द विचार, प्रे स्यो राती धन सुहागण नार। गुरु के शब्द विचार विचार के मेरे अंदर वड्डा आत्मक आनंद पैदा हो रहा है। हे लोको धन है वह जीव इसत्री, भागा वाली है वह जीव इसत्री जिहड़ी प्रभु पति दे प्यार रंग नाल रंगी हुई है। जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावै सो उतरै पार। जन्म ना मरै ना आवै ना जाए, हर सेती ओह रहै समाए। हे भाई दास नानक, परमात्मा दे गुणां दा विचार ही उचारदा रहिंदा है। जिहड़ा भी मनुख परमात्मा दी सिफत सलाह सुनदा है ते उस अनुसार अपना जीवन उच्चा करदा है, सिर्फ सुनना नहीं परमात्मा दी सिफत सलाह नूं अपने जीवन दा हिस्सा भी बना लेना है, उह संसार समुंदर तों पार लंघ जांदा है। मुड़ मुड़ ना जमदा है ना मरदा है, वो जगत विच मुड़ मुड़ ना आउंदा है ना ही मुड़ मुड़ इत्थों जांदा है, वो सदा परमात्मा दी याद दे विच लीन रहिंदा है। आसा महला पंजमा, निज भगती सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार। जिस प्रकार एक
ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿੱਜ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਪੂਰੀ ਆਚਾਰ, ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਆਚਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਗੁਰਮਿਲ ਹਮ ਪਾਈ, ਜੱਜ ਕਾਜ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸੁਹਾਈ ਰਹਾਓ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਚਰ ਵਸੀ ਪਿਤਾ ਕੈ ਸਾਥ, ਤਿੱਚਰ ਕੰਤ ਬਹੁ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਚਰ ਵਸੀ ਪਿਤਾ ਕੈ ਸਾਥ, ਤਿੱਚਰ ਕੰਤ ਪਉ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਣੀ ਘਰ ਮਹਿ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤ ਨਾਰ ਲਿਆ ਬਿਠਾਈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਬੱਤੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਪੂਤ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ। ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਦਇਆ ਨਿਮਰਤਾ ਲੱਜਾ ਆਦਿਕ 32 ਸੋਹਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਸੁਚੱਜੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੀ ਦੇਰ ਜੇਠਾਨੀ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਜੀਵ ਕੰਤ ਖਸਮ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਜਾਣੀ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੋਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਜੋ ਜੀਵ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤੀ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆਸਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰੈ ਮਾਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਮੱਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਰ ਜੇਸ਼ਟ। ਧਨ ਸੂ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁੱਖੇ ਸੁੱਖ ਵਿਹਾਏ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾਨ ਦਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਆਤਮਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਿਉਰਾਂ ਜੇਠਾਂ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਖ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਗਤੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 370ਵੇਂ ਅੰਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।